अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए एक गार्डन के लिए कुछ डेकोरेशन लेकर आई हूँ। तो अगर आप गार्डन लवर हैं, आपको गार्डनिंग पसंद है, तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। बड़ी सिंपल सी चीजें हम यूज करेंगे और एक बड़ा अच्छा सा डेकोरेशन पीस बनाएंगे गार्डन के लिए। तो चलें इसको शुरू करते हैं। अच्छा, ये मैंने सबसे पहले यहाँ पर एक बॉटल या कोई भी खाली बॉटल ले लें किसी भी ब्रांड की, और इसको हमने दरमियान से कट कर दें। रेफरेंस के लिए जो है मैं एक लाइन इस पर लगा लूंगी हल्की सी, शायद आपको इस पर नजर आ रही हो। बिल्कुल ये रेफरेंस के लिए बिल्कुल छोटी सी लाइन है और मैं इसको यहां से कट करती हूँ। ये तो ये मैंने टू हाफ्स में इनको मैंने कर लिया। अब आपको छोटे छोटे से सुराख करने हैं इसके दोनों साइडों पर, एक यहां पर और इस वाले हिस्से के दोनों साइड्स पर। आप इससे आप स्केल से आप जो है वो अच्छा सा एक अंदाजा ले लें कि इसका सेंटर कहाँ पर बनता है, ताकि दोनों जो आप होल्स बनाए वो इक्वल जगह पर आए। और रेफरेंस के लिए आप इस तरह से निशान एक लगा लें। आई होप यू कैन सी कि एक छोटा सा निशान लगा हुआ है। मैंने देखे तकरीबन हाफ इंच होगा नीचे जिस पे मैंने लिया है। और बिल्कुल जहां आपने एक निशान लगाया है, आप स्केल से दूसरी साइड देख ले कि कहां पर हाफ बनता है, और वहीं पर भी जो है वो आप दूसरा निशान भी आप लगाएंगे इस तरह से। और बिल्कुल इसी तरह आप इस बॉटल में भी करेंगे, और एक निशान जो है वो आप यहां पर बिल्कुल आप सेंटर में लगाएंगे, और दो निशान साइड्स पर। और फिर इनमें मैं सुराख करके फिर आगे आपको दिखाती हूँ कि किस तरह करेंगे। जी, तो आप ये देख सकते हैं अब कि मैंने ये होल्स जो हैं ये बना लिए हैं दोनों साइड्स पर, और इसके भी दोनों साइड्स पर और यहां पर। और अब बारी आ जाती है पेंट करने की। आप क्राफ्ट पेंट से बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं डीआईवाई शॉप्स पर। आप अपनी मर्जी के कोई भी कलर्स चूज कर लें, आप जितना कलरफुल बनाना चाहते हैं और जो कलर्स आपको पसंद है, और आप इसको पेंट कर लेंगे। तो चलें पेंट करना शुरू करते हैं। जी, तो मैंने येलो पेंट लिया और मैं पेंट करना स्टार्ट करती हूँ इस तरह से। आप इसके सब साइड्स को अच्छे से पेंट करें। अब इसके लिए अगर आप क्लियर बॉटल लेंगे, ट्रांसपेरेंट बॉटल लेंगे, तो वो ज्यादा अच्छी तरह और इजीली पेंट हो जाती है, क्योंकि उसमें नीचे से कोई दूसरा कलर जो है वो एक तो नजर भी नहीं आता, और दूसरा ये है कि वो आपके इस ओरिजिनल कलर को भी अफेक्ट नहीं करता। तो बिल्कुल इसी तरह से मैं इसके दोनों हिस्से जो है वो मैं पेंट कर लूंगी। जी, तो ये इसके दोनों हिस्से जो हैं ये पेंट हो गए हैं, और अब मैं इनको कुछ देर के लिए रख देती हूँ जब तक ये मुकम्मल तौर पर ड्राई नहीं हो जाते। जी, तो ये जो येलो पेंट मैंने इस पर किया था ये मुकम्मल ड्राई हो चुका है। अब आप चाहें तो इस पर किसी और कलर से आप कुछ डिजाइन भी कर सकते हैं। मैं इस पर ब्लू कलर यूज कर रही हूँ थोड़ी सी डिजाइनिंग करने के लिए। आप डॉट्स लगा लें, आप लाइंस लगा लें, जो भी आपको पसंद हो आप अपनी मर्जी से उस पर कर सकते हैं। तो मैं बेसिकली इस पर इसकी मदद से छोटे से इस तरह से फर्स्ट डे पर कुछ डॉट्स लगाने वाली हूं। ठीक है, ये मैं इन दोनों पर लगा लेती हूँ। जी, तो ये ड्राई हो गए हैं। अब मैंने इस तरह की एक डोरी ली है, और ये मुझे तकरीबन चाहिए होगी 2 फीट। मैं इसको मेजर कर लेती हूँ। तो ये मैंने इसको 2 फीट ले ली, और ये मैंने दो लेनी है, एक 2 फीट एक जगह और 2 फीट एक जगह। तो चलिए मैं इसको सेपरेट कर लेती हूँ। और ये जो मैंने ली है इनको भी मैं बीच में से अलग कर देती हूँ।
ताकि मेरे पास एक जो है वो 2 फीट की आ जाए। और अब ये जो मैंने सुराख किए हुए थे इनके अंदर मुझे इसमें इस तरह से डालना है और अंदर से मैं इसको नॉट लगाऊंगी, मैं आपको लगा के दिखाती हूँ जी। तो ये आप देखिए इस तरह से मैंने नॉट लगा ली है और बिल्कुल इसी तरह से जो मैंने दूसरा हिस्सा था उसमें भी नॉट लगा लिया। अब बेसिकली जो हमने बॉटल के बिल्कुल उसके जो लिड था उसमें हमने एक सुराख किया था, तो ये जो ये वाली बॉटल है इसके ऊपर मैं एक लूप सी बना रही हूँ और इसको मैंने गुजारना है उस सुराख में से और उसके अंदर भी मैं नॉट लगाने वाली हूँ। ये जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो सुराख है इसमें से मुझे इसको गुजार कर और अंदर वाली साइड पर नॉट लगानी है जी। ये मैंने इस तरह से डॉट्स इस पर लगाए हैं और मैंने इसका जो कैप था उसको मैंने बिल्कुल ब्लू कर दिया है थोड़ा सा डिफरेंट डिजाइन के लिए। तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी इस पर लाइंस लगा लें, जिस तरह से आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। तो अब मैं वेट करूंगी इसके ड्राई होने का जी। तो अब ये दोनों इनको जब डोरी बन गया तो ये इस तरह से आ गए हैं और अब मैं इन दोनों में पार्ट्स में जो है मैं डालूंगी थोड़ी सी मट्टी और उसमें एक डालूंगी प्लांट और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं इसको किस तरह लगाती हूँ जी। तो ये मैंने कंप्लीट कर लिया और इनको मैंने हैंग कर दिया है। ये बहुत ही खूबसूरत लगता है गार्डन में, आपके गार्डन की जो है वो एक शान बढ़ा सकते हैं और आपके सलीके की भी कि आपने किस तरह इनको इस्तेमाल किया है। और एक मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ था, ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा अपने घर में। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।